नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी। आपके लिए आज राजस्थान ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे राजस्थान के नेशनल हाईवे की, लेकिन पढ़ने का तरीका कुछ और होगा। एनिमेशन वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल हाईवे किधर से कैसे गुजरता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके सवाल किस प्रकार आते हैं। तो नेशनल हाईवे लंबा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये सामान्य से सवाल होते हैं। इसके अलावा किस जिले में से गुजरता है, किस जिले में से नहीं गुजरता है, कौन सा शहर इसके किनारे है, कौन सा शहर इसके नहीं है, इस प्रकार के मुख्यतः सवाल आते हैं। आज मुख्यतः ध्यान रहेगा अपना अपने क्लास में नेशनल हाईवे NH जो है 15, उस पे ध्यान रहेगा। NH 15 आजकल नेशनल हाईवे के नाम जो है वो बदल दिए गए हैं, पुराने वाले नाम नहीं है। तो NH 15 जो पुराने वाला था उसके क्या हालचाल समझेंगे। 3 NH इसमें एकदम क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत माथा पच्ची के बाद में बना है। एनिमेशन वीडियो थोड़ा सा मुश्किल से बनता है, लेकिन आपके लिए लेके आया हूं मैं। तो NH 15 की हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों का। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो ये सामने आपके राजस्थान का मैप। राजस्थान का मैप यदि आपको एकदम क्लीन नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को 480 के आसपास रखना, आपको ध्यान ढंग से दिखेगा। तो पहले मैं बात कर रहा था NH 15 की, बहुत ध्यान से समझना। NH 15 की बात करें तो NH 15 यहां से निकलता है, पठानकोट से आता है, और राजस्थान की हमें बात कर रहे हैं तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर क्षेत्र में से जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर को छूता हुआ कांडला बंदरगाह तक जाता था। ये था NH 15 और राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग इसी को बोला जाता था। लेकिन वर्तमान में इसकी मैं बात करूं तो राजस्थान का न तो ये सबसे लंबा राजमार्ग है और न ही ये NH 15 रहा। आजकल नया नाम चेंज हो गया। NH जो 15 था इसका आजकल नाम हो गया 62, 68 और 11। तीन इसके टुकड़े हो गए, 11, 62 और 68। तीन इसके टुकड़े हो गए, उसी को हम समझेंगे कि 11 क्या है, 62 क्या है और 68 क्या है। तो ध्यान से देखना आप, मैं बात कर रहा था पुराने वाले NH 15 की। तो NH 15 पठानकोट पंजाब से निकलता था। थोड़ी सी इसकी पुराने वाले चर्चा कर ले तो पंजाब से गंगानगर, गंगानगर से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से बीकानेर, बीकानेर से जोधपुर, जोधपुर का जो फड़ौदी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, ये फड़ौदी वाला क्षेत्र है। इस तरफ फड़ौदी, फड़ौदी के बाद में आपके पोकरण, जैसलमेर में पड़ता है परमाणु परीक्षण वाला जगह पोकरण, और रामदेवरा जगह जो है वो प्लस बाड़मेर होता हुआ, और ये सांचौड़ जालोर से होता हुआ निकलता था। इसकी लंबाई जो टोटल हुआ करती थी वो 875 किलोमीटर थी। यहां से यहां तक 875 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। ये तो हुई पुरानी वाली बात। अब देखो वीडियो आपको बहुत दमदार लगेगा, बहुत आपको मैं पक्का दावा कर सकता हूं कि आपको समझ में आएगा ये। अब भाई ये NH 15 था। अब मैंने कहा इस NH 15 के तीन टुकड़े हो गए, एक 11 NH 11 है इसी का भाग हो गया, एक 62 62 भी इसी का भाग हो गया, और एक 68। ये तीन भाग हो गए। क्या क्या भाग हुए तो देखो, पहले NH 11 की बात करिए तो NH 11 का देखो, पहले हम राजमार्गों को देख लेते हैं। आप एनिमेशन में देखना, आप ढंग से समझना। एक राजमार्ग जो बना वो आपके रेवाड़ी से निकला, जिसको NH 11 कहा जाता है। अब ये रेवाड़ी से निकलकर इधर से होता हुआ ये कहां तक निकला, ये समझने से पहले आपको देखो दो राजमार्ग है, फिर उसकी चर्चा करते हैं। देखो NH 11 की मैं बात करूं तो NH 11 यहां से निकला और ये घूमता हुआ ये राजमार्ग पहुंच गया जैसलमेर तक। एक भाग हो गया जो यहां से पहले था NH 15 बीकानेर तक, वही रहा, और बीकानेर से होता हुआ ये डिवाइड कर दिया गया सिरोही के पिंडवाड़ा तक। तो एक राजमार्ग तो ये हुआ, एक हुआ यहां से ले जैसलमेर तक, और एक ये 68। तो देखना आप, पहले हम बात करें तो NH 11 की, देखो ये NH 11 वापस देखो ग्रीन हो रहा है, यहां ध्यान से देखना आप, यहां तक ग्रीन हुआ ये, तो ये यहां से यहां तक लंबा है जो है NH 11 है। इसके अलावा यहां से यहां तक जो राजमार्ग है वो है 68। तीन भाग वापस समझना, तीन भाग क्या हुए, एक तो यहां से जो NH 15 था इसका बीकानेर वाला हिस्सा, और बीकानेर वाले हिस्से को अलग से यहां सिरोही तक जोड़ दिए, ये हो गया है 62। यहां से यहां देखोगे तो ये है NH 11, और यहां जैसलमेर से लेकर जालोर तक हो गया 68। ध्यान से समझना। तो देखो वापस बात करें तो NH 11 की बात करते हैं, ये ग्रीन वाले पे ध्यान देना आप। NH 11 जो है वो आता है रेवाड़ी से स्टार्ट होता है। NH 11 रेवाड़ी से निकलता है, ये झुंझुनू, झुंझुनू में प्रवेश करता है, फतेहपुर, रतनगढ़, बीकानेर,
और इसके बाद में आप देखोगे तो फड़ोदी और बांपोड़ा जोधपुर वाले क्षेत्र में, तो कितने डिस्ट्रिक्टों की बात हुई, थोड़ा सा मैप थोड़ा सा टच इधर से है ये, यूं देखोगे आप तो देखो डिस्ट्रिक्टों की बात करूं मैं तो झुंझुनू 1, सीकर 2, चूरू 3, बीकानेर 4, जोधपुर 5 और जैसलमेर 6, तो 6 डिस्ट्रिक्टों में से NH 11 निकलता है। ठीक है जी, NH 11 की बात हुई और NH 11 की लंबाई की बात करूं तो लगभग 760 किलोमीटर, 759.70 किलोमीटर है और ये राजस्थान का वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 11। अब आप इससे NH 11 से रिलेटेड कोई सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब पोकरण कहां पड़ता है, बता दोगे कि नहीं NH 11 पे पड़ता है भाई साहब, रामदेव ना किस NH पे पड़ता है, NH 11 पे पड़ता है। तो NH 11 जैसलमेर से लेकर आपके झुंझुनू तक पड़ता है NH 11। दूसरे की हम बात करें तो ये है NH 62 की मैं बात कर रहा था, 62 यहां से उत्तर से दक्षिण तक पहुंचता है सिरोही तक, तो इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर के बाद में आपके नागौर, नागौर जोधपुर, जोधपुर के बाद में पाली, पाली से सिरोही, सिरोही से पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा क्षेत्र तक जाता है, तो उत्तर से दक्षिण हो गया NH 62। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो हो गया NH 11। अब इसका जो तीसरा हिस्सा बचा जिसको बोलते हैं 68, तो 68 की हम बात करें, NH 62 की 748 से थोड़ा सा कम है NH 11 से 62, देखो इधर से इधर और इधर से इधर देखे तो थोड़ा सा अंतर है 62 दूसरे नंबर का मान लो आप। तो ये जो हाईवे पड़ता है ब्लैकवाड़ा, इसको बोलते हैं NH 68, ये 689.9 मतलब 690 किलोमीटर में है, जैसलमेर बाड़मेर को सांचौर होता हुआ निकलता है। वापस आप समझना कि NH 15 को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया, एक रेड वाली यहां से यहां देख लो, ये कौन सा है NH 62, लंबाई 748 किलोमीटर। दूसरा है NH 11 जो झुंझुनू से राजस्थान की बात करें और जैसलमेर तक पहुंचता है, इसको बोलते हैं NH 11। और इसका जो बाकी का NH 15 वाला पुराने वाला था, इसका बाकी का जो हिस्सा बच गया इसको बोलते हैं 68, इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर का क्षेत्र आता है। भाई ऐसा वीडियो आप YouTube पे ढूंढ के देख लेना कि इतनी सरल भाषा में आपको नेशनल हाईवे, 3 नेशनल हाईवे एकदम कंप्लीट हो रहे हो नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो यदि वास्तव में आपके समझ में आया, आपके काम का लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बनता है और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, यदि वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर लेना। इस प्रकार के नेशनल हाईवे की जानकारी जो है वो तभी लेके आऊंगा जब आपको ये वीडियो वास्तव में उपयोगी लगे और मुझे कमेंट करके बताओगे आपके वहां में बहुत अच्छा लगा, तब एक नेशनल हाईवे का और वीडियो जिसमें 5 घंटे की माथापच्ची में आपके लिए करके आया हूँ और रात के 12 बजे मैं यहाँ आपके लिए खड़ा हूँ। तो नेशनल हाईवे की जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, आपकी जानकारी, आपका जो कमेंट है मुझे प्रोत्साहित करते हैं और एक नया वीडियो फिर माथापच्ची करके लाऊंगा। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत।